अफगानिस्तान में पिछले साल अगस्त में मचे कोलाहल के बीच बहुत सारे लोग देश छोड़कर जा रहे थे। तालिबान काबुल पहुंच चुका था। लोग बदहवास काबुल हवाई अड्डे की तरफ भाग रहे थे, जहां अफरा तफरी मची थी। इसी भीड़ में एक दूध मुहा बच्चा बिछड़ गया। ये कहानी उसी बच्चे की है। वो 19 अगस्त का दिन था। काबुल में हामिद करजाई एयरपोर्ट पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हजारों लोग जमा हो गए थे। अमेरिका और दूसरे देशों के विमान लोगों को बाहर निकाल रहे थे, खासकर ऐसे लोगों को जो पिछली सरकारों के लिए काम करते थे और जिन्हें अब तालिबान हुकूमत में खतरा हो सकता था। भीड़ में अपने परिवार के साथ मिर्जा अली अहमदी भी शामिल थे, जो अमेरिकी दूतावास में सुरक्षा गार्ड का काम करते थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सबसे पहले उनकी कहानी नवंबर में छापी थी। इसमें मिर्जा ने बताया कि वो अपनी पत्नी सुरैया और 5 बच्चों को लिए एयरपोर्ट के भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे। 2 महीने का बच्चा सोहेल गोद में था। एक दूसरे से टकराते लोगों के बीच कहीं वो पिस ना जाए, ये सोचकर उसके माँ बाप ने उसे बाढ़ के दूसरी ओर खड़े एक वर्दीधारी सैनिक को थमा दिया, जो उन्हें लगा कि अमेरिकी सैनिक है। उन्हें लगा बस 15 फीट का फासला बचा है, जब वो एयरपोर्ट के भीतर दाखिल हो जाएंगे और बच्चा मिल जाएगा। मगर तभी तालिबान के सैनिकों ने भीड़ को पीछे से खदेड़ दिया। मिर्जा और उनके परिवार को लौटते 1/2 घंटा हो गया। वो एयरपोर्ट के भीतर गए पर ना तो वो सैनिक दिखा, ना कहीं उनका बच्चा। बदहवास परिवार ने उसे हर ओर खोजा। कुछ अधिकारियों ने कहा कि हो सकता है कि वो विमान में ले जाया गया हो, तो आप भी निकल जाए, बाद में आप साथ हो जाएंगे। और आखिर में मिर्जा और उनका परिवार अमेरिका जाने वाले विमान पर सवार हो गए और अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक सैन्य ठिकाने पहुंच गए। महीनों तक उन्हें कुछ पता नहीं चला कि सोहेल का क्या हुआ। 4 महीने बाद नवंबर में समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ये खबर छापी, जिसके बाद खोजबीन हुई और आखिर में पता चला कि सोहेल एक टैक्सी ड्राइवर हामिद सैफी के घर पर है। 29 वर्षीय हामिद ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें सोहेल एयरपोर्ट पर मिला। वो जमीन पर पड़ा था, रो रहा था। हामिद ने उसके घर वालों को खोजने की कोशिश की, पर जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया और तय किया कि वो और उनकी पत्नी उसे अपने बच्चों की तरह बड़ा करेंगे। उन्होंने बच्चे का नाम रखा मोहम्मद आबिद और अपने दूसरे बच्चों के साथ उसकी भी तस्वीर अपने फेसबुक पन्ने पर लगाई। 4 महीने बाद सोहेल का पता चला और उसके नाना मोहम्मद कासिम रजावी उसे लेने निकले। वो काबुल से बहुत दूर पूर्वोत्तर अफगानिस्तान के सूबे बदख्वाशा में रहते हैं। लेकिन लंबे सफर के बाद जब वो हामिद के पास पहुंचे तो उन्होंने सोहेल को वापस करने से इनकार कर दिया। रॉयटर्स के अनुसार हामिद ने शर्त रख दी कि उन्हें और उनके परिवार को भी अमेरिका ले जाया जाए। बात इतनी बिगड़ गई कि कुछ समय तक हामिद सैफी को हिरासत में भी लेना पड़ा। आखिरकार तालिबान पुलिस ने कई हफ्तों तक चली बातचीत के बाद दोनों परिवार में सुलह करवाई और सोहेल को उसके नाना को सौंप दिया गया। सोहेल के माँ बाप अमेरिका में ही हैं। उन्होंने अपने छोटे बेटे को वीडियो चैट पर देखा। मोहम्मद कासिम रजावी ने बताया, हम जश्न मनाने लगे, गाने लगे, नाचने लगे, ऐसा लगा जैसे कोई शादी हो। अब सोहेल के घर वालों को उम्मीद है कि जल्द ही उसे अमेरिका के मिशिगन में लाए जाने का इंतजाम हो पाएगा, जो अब उनका नया पता है। हालांकि अफगानिस्तान में अभी तक सब अनिश्चित है। वह अमेरिका का कोई दूतावास नहीं है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी काफी दबाव है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस परिवार को फिर से एक किया जाए।